हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है मेटावर्स। आखिर मेटावर्स क्या है? कभी ना तो कभी आपने मेटावर्स का नाम सुना ही होगा, या फेसबुक का एक अपना नाम है जो कि फिलहाल में ही अपना नाम बदल कर मेटा कर दिया है। तो मेटावर्स को जानने से पहले मेटावर्स किन किन शब्दों से मिलकर बना है इसे पहले हम समझते हैं। मेटावर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है मेटा और दूसरा है वर्स। यहाँ मेटा यानी बायोंड, जहाँ हम नहीं सोच सकते, वही वर्स यानी यूनिवर्स जो आप देख रहे हैं। इसी प्रकार मेटावर्स का अर्थ है एक ऐसे दुनिया जो हमारे सोच से परे है, हमारे सोच से भी आगे है। मेटावर्स शब्द का मतलब यह है कि ऐसी वर्चुअल दुनिया जिसमें आप खुद वर्चुअली प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि दुनिया में अलग अलग प्रकार की कंपनियां टेक्नोलॉजी को अलग अलग दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। फेसबुक कंपनी जो सोशल नेटवर्किंग की दिशा में काम कर रही है, एक लोकप्रिय कंपनी मानी जाती है। संवर्धित वास्तविकता हेडसेट के उपयोग द्वारा सुगम बनाया गया है। बोलचाल की भाषा में एक मेटावर्स सामाजिक कनेक्शन पर केंद्रित 3D आभासी दुनिया का एक नेटवर्क है। शब्द मेटावर्स की उत्पत्ति फ्यूचरिज्म और साइंस फिक्शन में मेटावर्स एक एकल सार्वभौमिक और इमर्सिव आभासी दुनिया के रूप में इंटरनेट का एक काल्पनिक पुनरावृत्ति है। शब्द मेटावर्स की उत्पत्ति 1992 के विज्ञान कथा उपन्यास स्नो क्रेस में मेटा और ब्रह्मांड के एक बंदरगाह के रूप में हुई थी। विसर्जन की बढ़ती मांग के कारण मेटावर्स विकास अक्सर आभासी वास्तविकता प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने से जुड़ा होता है। मेटावर्स विकास में हाल की रुचि Web3 से संबंधित है। इंटरनेट के विकेंद्रीकृत पुनरावृत्ति के लिए एक अवधारणा Web3 और द मेटावर्स को बुजवर्ड्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। जनसंपर्क उद्देश्यों के लिए विभिन्न संबंधित प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं की विकास प्रगति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, सूचना गोपनीयता, उपयोगकर्ता की लत और उपयोगकर्ता सुरक्षा मेटावर्स के भीतर की चिंताएं हैं जो समग्र रूप से सोशल मीडिया और वीडियो गेम उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों से उत्पन्न होती है। आने वाले समय में इसमें गोपनीयता का बहुत ही ज़्यादा खतरा बना हुआ रहेगा। मेटावर्स एक तरह से ऐसी तकनीक है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को वर्चुअल दुनिया की तरफ ले जा रही है। आपने पुराण और कथा में नारद का किरदार के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस प्रकार से नारद का किरदार भगवान नारायण और महादेव के बीच में रहा था, उसी प्रकार से वर्तमान समय में यह मेटावर्स, मेटावर्स शब्द का मतलब यह है कि ऐसी वर्चुअल दुनिया जिसमें आप खुद वर्चुअली प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि दुनिया में अलग अलग प्रकार की कंपनियां टेक्नोलॉजी को अलग अलग दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। फेसबुक कंपनी जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग की दिशा में काम कर रही है, एक लोकप्रिय कंपनी मानी जाती है। सोशल नेटवर्किंग कंपनी की बात करें तो सबसे पहले फेसबुक कंपनी ने अपने सोशल नेटवर्क फैलाने के लिए हजारों इंजीनियर लगा रखे हैं। फेसबुक कंपनी के मालिक द्वारा सोशल नेटवर्क को भविष्य नहीं माना जा रहा है, और उनका कहना है कि जो मौजूदा जीवन है या भविष्य में नहीं रहने वाला है। इसलिए सिक्स कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग, जो अपने इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से वर्चुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फेसबुक प्लेटफॉर्म को वर्चुअल बनाने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने करीब 10 अरब की राशि खर्च करने का फैसला कर दिया है। वर्तमान में इसकी वर्चुअल दुनिया के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। यह अनुमान हकीकत में कब तक बदल पाएगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुमान के तौर पर फेसबुक के CIO मार्क जुकरबर्ग ने भी बताया कि इस टेक्नोलॉजी को आने में काफ़ी
साल लग सकते हैं। फेसबुक को कब तक पूरी तरह से वर्चुअल किया जाएगा, इसमें भी काफ़ी साल लगने का अंदेशा है। यह टेक्नोलॉजी जिसके बारे में बताया जा रहा है कि व्यक्ति अपने घर बैठे अपने पसंद की दुनिया और अपनी पसंद की हर वस्तु के पास पहुंचकर उसका लाइव आनंद ले पाएगा। मेटावर्स जिसको वर्चुअल दुनिया इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के पश्चात लोगों के पास पलक झपकाते ही उसकी पसंदीदा चीज़ें उनके सामने उपलब्ध होगी। वर्तमान समय में आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वीडियो कॉल के जैसी लाइव शो का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मेटावर्स के पश्चात लोग अलग अंदाज में अपने जीवन यापन कर पाएंगे। डिजिटल मेटावर्स के पश्चात जीवन में क्या बदलाव आएगा? वर्तमान समय में देखा जाए तो जिंदगी साकार रूप से हर व्यक्ति की गुजर रही है। मेटावर्स टेक्नोलॉजी को लेकर सिर्फ वर्चुअल दुनिया की कल्पना की जा रही है। डिजिटल क्लोथिंग का जमाना भी इस वर्चुअल दुनिया में देखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप फिजिकली रूप से अपने घर पर बैठे हैं, लेकिन आपको डिजिटल उपकरणों की सहायता से वर्चुअल दुनिया में घुमाया जाएगा।